ऑलराइट गाइस, स्टारफील्ड गेम फाइनली रिलीज हो चुका है एंड यू वांट टू डाउनलोड दिस गेम इन योर पीसी एंड वांट टू नो इट्स मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सो यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ गेम डाउनलोड करने का ऑफिशियल एंड लीगल वे, इसके मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, क्या ये गेम आपके पीसी में चलेगा या नहीं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो अच्छी लगे सो एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब याद से कर देना। सो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। मिनिमम आपके पीसी में राइजन 5 2600X या फिर इंटेल का यूज कर रहे हो सो i7 6800K प्रोसेसर मिनिमम आपके पीसी में होना चाहिए। मिनिमम 16GB रैम आपके पीसी में होनी चाहिए एंड 1070Ti की मिनिमम ग्राफिक्स एंड 125GB अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। तो ये इसके मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये हैं। अगर आपको गेम परचेज करना है तो आपको अपने पीसी में स्टीम को इंस्टॉल करना होगा। नहीं आता, मैंने वीडियो बनाई थी GTA 5 अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करें, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया स्टीम को भी अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करें, सो वो वीडियो वॉच कर लेना। उसके बाद आप उस स्टीम को ओपन कर लेना है एंड अकाउंट भी बना लेना है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर नहीं आता सिंपली गूगल अकाउंट से बन जाता है, मैंने वीडियो में बता रखा है GTA 5 वाली वीडियो में, वो वीडियो देख लेना। उसके बाद स्टारफील्ड नाउ अवेलेबल आपको सामने दिख जाएगा, नहीं दिखे सो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर सर्च करना है स्टारफील्ड। सो गेम आपको दिख जाएगा, लगभग 5000 रुपये इसका प्राइस। आई नो काफ़ी ज़्यादा महंगा है ये गेम, लेकिन आपको परचेज करना है सो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एज वेरीफाई कर देनी है, व्यू पेज का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेम की डिटेल्स लाइक रिलीज डेट वगैरह आ जाएगी एंड बाई करने के लिए नीचे आएंगे सो बाई का ऑप्शन मिल जाएगा। लगभग 4999 में आपको गेम दिख जाएगा। बाई करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है। बाकी आप इसके और भी एडिशन परचेज कर सकते हो, उनका ज़्यादा प्राइस है। सो बाई करने के लिए ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, परचेज फॉर माई सेल्फ एंड एज ए गिफ्ट। सो आपको परचेज फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप खुद के लिए परचेज कर रहे हो गेम। एंड उसके बाद आपको पेमेंट मेथड चूज करना है, जिस भी आप पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। एंड उसके बाद पेमेंट डिटेल्स डालनी है, नीचे कंटिन्यू कर देना है एंड पेमेंट सक्सेसफुल कर देनी है। उसके बाद गेम आपका सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा, लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा गेम आपका। लाइक मैं लाइब्रेरी पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर गार्डन ऑफ बैनमैन गेम है। ऐसे ही आप स्टारफील्ड को परचेज कर लोगे सो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप स्टारफील्ड पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल का ऑप्शन लाइक इस गेम पर आ रहा है, ऐसे ही स्टारफील्ड पर भी इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा एंड बाद में आप आसानी से वहीं से गेम को अपने पीसी में इंस्टॉल कर पाओगे। सो ऐसे आप इस गेम को परचेज कर सकते हो अपने पीसी में। एंड ये थे इसके मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। बाकी और कोई डाउट रह गया हो सो कमेंट कर देना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है सो कर देना लाइक, चैनल पे नए आए हो कर देना सब्सक्राइब।